राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आइए जानते हैं फिश एक्वेरियम से जुड़ी कुछ खास बातें। शुक्र या वीनस को सभी शास्त्रों में धन संपदा और लग्जरीज का सूचक माना जाता है, इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में आप फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं, क्योंकि ये धन और समृद्धि का संचार कर घर में संपन्नता को बढ़ाता है। इसमें आप गोल्ड फिश और सिल्वर फिश दोनों को रख सकते हैं। ध्यान रहे, सिल्वर फिशेस हों या गोल्ड, उनके साथ एक ब्लैक फिश एक्वेरियम में हमेशा रखें। ब्लैक फिश के अलावा बाकी मछलियों की संख्या इवन में होनी चाहिए। जैसे 6 या 8 गोल्ड फिश या सिल्वर फिशेस हों तो एक ब्लैक फिश। नॉर्थ व नॉर्थ ईस्ट जोन में भूलकर भी भारी फिश एक्वेरियम न रखें। इन दिशाओं में छोटे ट्रांसपेरेंट बोल्स या हल्के से हल्के एक्वेरियम ही लगाएं। बड़े और भारी फिश एक्वेरियम को आप अपने घर के पश्चिम में स्थान दे सकते हैं। फिश टैंक के भीतर बहने वाले पानी की आवाज़ आपके घरों में नेगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करती है, जिससे संपन्नता एवं खुशहाली में बढ़ोतरी होती है। अगर आप व्यापार या किसी कंपनी का संचालन करते हैं तो फिश टैंक को ध्यान से सोच समझ कर लगाएं। ऑफिस के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट व ईस्ट में हल्का फिश टैंक रखने से आपके व्यवसाय में वृद्धि होती है। ये एक्वेरियम गोल हो तो बेहतर है, इसे हमेशा साफ करते रहें, अन्यथा गंदा फिश टैंक आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापार में आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए एरोवेना फिश एवं प्रसिद्धि पाने के लिए गोल्ड फिश को रखना फायदेमंद माना जाता है। फिश टैंक घरों में आने वाली विपत्तियों को दूर करने का काम करती है। इसके अंदर रखी मछलियों में से अगर कुछ मछलियां मर जाती हैं तो आपके घर में आने वाली विपत्तियां उसके साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। फिश टैंक को घर में रखने से पहले सही स्थान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भूल से भी इसे घर के बेडरूम, किचन या बाथरूम में न रखें, अन्यथा घर में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और हानि हो सकती है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। कुछ नई टिप्स के साथ आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी।